प्यारे बच्चों, आज परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। और पिछली क्लास में हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ चुके थे। तो देखिए, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है ना, रेशियो, परसेंटेज और फ्रैक्शन तीनों एक दूसरे के परिवर्तित रूप होते हैं, ठीक है। अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज को फ्रैक्शन के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं, और फ्रैक्शन को परसेंटेज के थ्रू, और रेशियो को भी फ्रैक्शन के थ्रू, और फ्रैक्शन को रेशियो के थ्रू। मतलब परसेंटेज मीन्स होता है फ्रैक्शन, मतलब भिन्न, और परसेंटेज मतलब बच्चों हिंदी में होता है प्रतिशत। प्रतिशत मतलब प्रति एक पे 100। देखिए, परसेंटेज कहीं लिख जाए, दिख जाए आपको परसेंटेज। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि परसेंटेज पढ़ने हम लोग जा रहे हैं, और परसेंटेज को परसेंटेज में पढ़ेंगे, उसके अलावा हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके तब पढ़ेंगे। बच्चों, कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, केवल एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा फ्रैक्शन का, और सारे चैप्टर के एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, पढ़ाई ऐसा करिए जो एग्जाम में आए। ऐसा नहीं कि फालतू का चीज शॉर्ट फार्मूला पढ़ लीजिए, एग्जाम में आई ना। अगर आप 10 फार्मूला पढ़ रहे हैं, बस आपको फार्मूला कोई पढ़ा रहा है, आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा फार्मूला यूज करूं। तो बच्चों, एक कॉन्सेप्ट पढ़िए ना, उसी पे 10 फार्मूला आप खुद से बना लेंगे, और फार्मूले की पूरे परसेंटेज में फार्मूले का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा फ्रैक्शन मेथड, और उससे कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज का आ जाए, आप एग्जाम में तुरंत सॉल्व कर लेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा, देखिए आपका क्लास चल रहा है, और क्लास के हिसाब से आप प्रैक्टिस करते जाइए। जितनी क्लास आपके खत्म हो रही है, आप बुक उठाइए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। देखिए, थीम आपको मिल रहा है, कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस, एक बार कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं और प्रैक्टिस उठाइए, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर। चलिए देखते हैं, ये परसेंटेज, बच्चों परसेंटेज मतलब होता है प्रतिशत, मतलब प्रति सौ। मतलब अगर मैं परसेंटेज को बोल, अगर ऐसा लिखा है आपके पास, तो बच्चों इसका मतलब होता है 1/100। 1/100 मतलब 100 बराबर भागों में एक को बांटा जाता है। अगर देखिए परसेंटेज, बस आप शुरू में थोड़ा सा, बस आप पेशेंस साथ क्लास को देखते रहिए। अभी सारी चीजें जब क्वेश्चन लेके आऊंगा ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बस आप देखते रहिए। बच्चों, परसेंटेज मतलब होता है प्रति सौ, मतलब एक कोई सद उसके, मतलब 100 एक कोई वस्तु है, उसको 100 बराबर पार्ट में डिवाइड करना ही परसेंटेज होता है। मतलब 100 बराबर भागों में एक वस्तु को बांटेंगे तो क्या मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा, ठीक है। और देखिए, परसेंटेज मतलब होता है प्रति सौ। देखिए, ये हो, आप देखिए यहां भी, जैसे मैं लिखू 2%, तो इसको आप क्या लिखेंगे, सर परसेंटेज मतलब होता है 1/100, 2/100 लिखेंगे। अब इस 2 और ये 100, इस 100 का प्रत्येक एक पार्ट 2 के बराबर होगा। मतलब सर, इसका अगर 100 अलग अलग पार्ट है, उसका एक पार्ट 2 के बराबर, उसका पहला भाग 2 होगा। अगर ये 100 है, 100 का पहला भाग, फर्स्ट पार्ट क्या होगा, 2। समझ, ऐसे 1/100 था ना, इस 100 का पहला पार्ट क्या होगा, 1 होगा। यही होता परसेंटेज का मतलब। अब ये कुछ फ्रैक्शन ऐसे होते हैं, आइए थोड़ा देखते हैं हम लोग क्या होता है वो। देखिए, पहले आप इसको लिख लीजिए सर, 1% इज इक्वल टू 1/। अब देखिए, ये क्या है 1, अगर इसका मतलब कहीं लगा मिल जाए संख्या में, इसका मतलब 1/100 होता है, ठीक। तो ये क्या उत्तर, एक क्वेश्चन बताओ, ये हुआ 1%। अच्छा, अभी मैं बोला इसका मतलब 1/100, तो 1 × 1/100 इज इक्वल टू 1/। और बच्चों बताइए, 2% का मतलब क्या होता है बच्चों, तो बोलेंगे सर 2% का मतलब 1/100। सर मतलब 2/100, ठीक है। अगर 3% लिखा मिल जाए, तो क्या लिखेंगे आप, 3 × 1/100,
ठीक, तो इसको क्या लिखें, 3/, क्यों ना बच्चों 3% को इसका मतलब 100 कर दूं। अगर मैं ऐसा लिख दूं 4% कहीं लिखा तो 4/100 लिख सकता हूं। आप बोलेंगे लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते। अगर 5% लिखा है तो बच्चों 5/100। अब देखिए यहां जो नंबर कटे उसको आप कटा लीजिएगा। अब देखिए ये हुआ ना 4% मतलब 4/100, 6% का मतलब 6/100। मतलब अगर फ्रैक्शन 6% है तो उसका मान 6/100। बट यहां देखिए सर 2 2 = 4, 2 5 जो मतलब 4% का वैल्यू जो होता है 5। मतलब इस 50 का दो दो अलग अलग पार्ट में जो है 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका 5% 5/100 मतलब 5 × 5 = 20, 1/ इस कोई 20 ये क्या है पार्टिकल है, मतलब कोई 20 वस्तु है उसका पहला भाग 1 होगा, 50 कोई वस्तु उसका पहला भाग 2 के इक्वल होगा, ये होता है इसका मतलब। अब 6/100 मतलब बच्चों 2 3 100, 3/50, 6% मतलब 3/50, ठीक है, 5% मतलब 1/20 बच्चों, ऐसे 7% ऐसे 10% है तो 1/10 ना लिख सकते हैं। अगर बच्चों 15% है क्या लिखेंगे आप, सर बोलेंगे 15/100 मतलब सर 5 3 = 20, 3/20 लिखेंगे, मतलब 20 कोई वस्तु उसका एक पार्ट की वैल्यू 3 है, ये होता है इसका मतलब, ठीक। और देखिए यहां पे अगर मैं 20% लिख दूं, क्या लिख दूं बच्चों 20% लिख दूं, तो इसको क्या लिखेंगे आप, सर बोलेंगे 20/100, सर 0 से 0 काटेंगे, 2 1 = 2 5 = मतलब 1/5 बच्चों, 20% की वैल्यू 1/5। अब देखिए अगर परसेंटेज दिया रहेगा तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अगर 25% है तो क्या लिखेंगे 25/100 1/4। हाँ ये मतलब अगर कोई परसेंटेज में वैल्यू दिया तो हम इसमें चेंज कर लेंगे। फिर अगर आप इसमें चेंज किए परसेंटेज का कोई क्वेश्चन हो आप विद इन सेकेंड में सॉल्व करके जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए आप रियल कॉन्सेप्ट चैनल पे पढ़ रहे हैं, बिना हिस्सा सर है ना, इतना अच्छा आपको, उनसे अच्छा कॉन्सेप्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई नहीं दे सकता, उनसे अच्छा कॉन्सेप्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई नहीं दे सकता। आप जो वो पढ़ा रहे उसी को पढ़ते रहे, साथ में मैथ की प्रैक्टिस भी करते रहिए, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं, अब देखिए अच्छा मैं आपको बोल दू 13%, तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे सर 13/100 मतलब प्रत्येक 100 में 13, ऐसा बोल सकते हैं प्रत्येक, इसको बोलेंगे प्रत्येक 100 में 13। अगर मैं बोलू 11% तो आप बोलेंगे 11/100 प्रत्येक 100 में 11। और बच्चों एक एक चीज और बताए, जब आप हाई स्कूल इंटर के जब वो निकालते थे क्या परसेंटेज, तो क्या बोलते थे, अगर कोई बोलता था परसेंटेज, तो देखिए फ्रैक्शन और परसेंटेज, जैसे मैं बोलू 3/5, पहले इसको समझिए फिर उसको मैं बताता हूं आपको। देखिए 3/5 अगर लिख फ्रैक्शन में, तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको बोलते टोटल वैल्यू, क्या बोलते बच्चों टोटल वैल्यू, ये टोटल है ना वैल्यू, और ये 5 में 3 नंबर पाया, मतलब अगर कोई वैल्यू 5 है उसका 3 पार्ट ये है, फ्रैक्शन मतलब 5 में 3, मतलब नीचे वाला वैल्यू जो होता है वो टोटल वैल्यू होता है। अगर इसका परसेंटेज मुझे निकालना हो, 3/5 का परसेंटेज निकालना हो, फ्रैक्शन है कुछ नहीं करना है, देखिए परसेंटेज था तो हम लोग अपॉन 100 करते थे, अब परसेंटेज निकालता है इनटू 100 करेंगे 20, क्या हुआ बच्चों 60%, ठीक। अब देखिए ये जो अपॉन वाली वैल्यू होती है वो टोटल होती है ना, और एक चीज आपको ध्यान दे, अगर मैं यहां पे 20% लिख दूं क्या बोलेंगे आप, सर 20/100 कटा दिया, सर 1/5, सर ये टोटल वैल्यू 5 में कोई 1, ये क्या है 5 कोई वस्तु उसका एक पार्ट का वैल्यू 1/5 होता है, ठीक है। और देखिए चीज ये परसेंटेज यही खेला करना है,
कोई आ गया जो क्वेश्चन, एक बात दिमाग में आप रख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, कोई फ्रैक्शन दिया है तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या होता है, टोटल, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो उसका पार्ट होते, पांच में कोई तीन, जैसे 1/100 में लिखता था, तो प्रत्येक 100 में कोई एक ना, तो प्रत्येक 5 में 3, ये इसका मतलब है। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो टोटल होती है पूरा। अब कोई क्वेश्चन आपको दे, बस दिमाग में इतना डालिए कि नीचे वाली वैल्यू टोटल होती है, फिर मैं तो आपके साथ खेला खेल जाऊंगा, अब कोई भी क्वेश्चन के साथ आप खेला करेंगे, देखिए कैसे खेला करना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, ये हुआ ना। अब देखिए अभी तक मैं आपको परसेंटेज बताया, अब बताऊंगा मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, मतलब अब देखिए फ्रैक्शन बोल रहा हूं, फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न, है ना। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मीनिंग ऑफ, देखिए भिन्न का अर्थ, भिन्न का अर्थ सबसे पहले हम लोग जानेंगे मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है भिन्न, मतलब सबके मन में आता है सर, भिन्न मीन्स होता है अंश बटे हर, क्या होता है अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर कोई, अभी मैं आपको बताया था परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक, तो आप कोई क्वेश्चन दिया परसेंटेज का फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद, आप देखिए अगर बोले राम श्याम का 5 गुना है, तो जिससे तुलना हो, आप कॉपी में नोट करके, जिससे तुलना हो उसको नीचे वाली वैल्यू लेते हैं और ऊपर वाला वैल्यू जो संख्या होती है, जैसे मैं बोलूं राम श्याम से 5 गुना है, राम श्याम से 5 गुना है ना, राम श्याम से 5 गुना है, श्याम की तुलना में, श्याम का ना, अगर जिससे तुलना हो श्याम से, तो नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, जिससे तुलना हो, जिसका, जिसकी, जिसके, वो नीचे वाली वैल्यू होती है और ऊपर वाली वैल्यू, अगर बोले 5 गुना, मतलब अगर राम 5 है तो श्याम कितना हो जाएगा, 5, मतलब 5 गुना ना, अगर राम 1 है तो श्याम कितना हो जाएगा, 5, मतलब 1/5 लिख सकते हैं। परसेंटेज में अगर ये लैंग्वेज आप समझ गए, का 2 गुना, की तुलना में, का किसकी, किसके, जिसका, जिसकी, इसको, कोई भी जिससे तुलना हो, एक चीज माइंड में रख लीजिए, वो अपान वाली वैल्यू होती है और नीचे ऊपर वाली वैल्यू 2/3, मतलब ऊपर वाली वैल्यू जो संख्या होती है। अगर मैं बोलूं ए बी का 5 गुना, ए बी का 5 गुना, बी का, बी की तुलना में, तो आप सीधा बी को 5 रखे और ए को 1, हो गया आपका फ्रैक्शन में ना, परसेंटेज 100 लगा दीजिए, 20%, बताइए किस क्वेश्चन में क्या था। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और देखिए अगर बोले ए बी से 2/3 है, क्या है 2/3, अब से किससे तुलना हो रहा है, बी से, बी का ना, बी से, बी का, जिसका, जिसकी, जिसको, तो बी की वैल्यू क्या लिखेंगे, ए बटे बी, बी की वैल्यू 3 हो जाएगी बच्चों और ए की वैल्यू 2, मतलब अगर ए अनुपात बी मैं लिख रहा हूं तो बी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 2, ठीक है। देखिए मैं आपको भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अभी क्वेश्चन आएगा तो बता रहा हूं ना, अगर कंसंट्रेशन के साथ क्लास में बने हुए हैं आप, तो क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में उड़ाएंगे, बस अभी अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, थोड़ा उसको आप सीखते रहे कैसे हो रहा है। अभी जब क्वेश्चन में चलेंगे, सारी प्रॉब्लम जो आपके माइंड में चल रहा है ना,
सब कुछ खत्म हो जाए, बस क्लास को देखते रहिए और नोट करते रहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। अगर और देखिए एक बात और, अगर मैं 1/4 लिख दूं, अब इसका मतलब आप बताइए क्या होगा। 1/4 लिख दूं तो क्या होगा, अगर मैं बोलूं मैं आपसे, चलिए अगर मैं बोलूं मैं आपसे 5/7 तेज भागता हूं, मैं आपसे 5/7 तेज भागता हूं। कॉपी पेन उठाइए, थोड़ा इस क्वेश्चन को सोचिए, इस क्वेश्चन में आपसे क्या समझ सोच सकते। देखिए मैं आपसे, तो कौन सा मैं होगा कौन सा आप होगा, आप बताइए। मैं आपसे तुलना किससे हो रहा है, आपसे, आपसे तुलना हो रहा, तो आपसे नीचे हो जाएगा और मैं ऊपर रहेगा। 5/7 तेज भागता हूं। अब आप इस क्वेश्चन को समझिए और बताइए इसका मतलब क्या है। पेन कॉपी उठाइए, खुद से सॉल्व करिए, जो अभी कौन से बताऊं इससे आप क्या समझ रहे हैं, बताऊं आपको। देखिए मैं आपसे 5/7 तुलना किससे हो रहा है, आपसे, तो जो जिससे तुलना उसको नीचे लेंगे, तो आपसे 7 हो जाएगा, मैं 5 हो जाए। मतलब अगर मैं और आपसे तुलना करूं तो मैं 5 होगा और ये 7 होगा। समझ में आया बच्चों, यही चीज बता रहा हूं। अब देखिए और कौन से, अभी थोड़ा सा हुआ ना, अब और हो जाएगा क्लियर। देखिए एक क्वेश्चन और लिखिए आप, मैं आपसे 1/2 धन कमाता हूं। अब इसका मतलब बताइए, इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इसका मींस क्या है, फिर आप पहले इस क्वेश्चन को देखिए आप। एक क्वेश्चन और, आप मुझसे 1/2 धन कमाते हैं, चलिए बताइए अब। अब इसमें आप देखिए तुलना किससे हो रहा है, जिससे तुलना हो रहा है, फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है ना, 1/2 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 1/2, जिससे तुलना हो रहा है बच्चों, जिससे तुलना हो रहा है वो नीचे वाली वैल्यू होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या 1/2 फ्रैक्शन दिया ना आपको, लिख लिया मैं 1/2। तुलना किससे हो रहा है इस क्वेश्चन, देखो तुलना, मैं आपसे आप मुझसे, मैं आपसे आप मुझसे, अब बताइए इसमें तुलना किससे हो रहा है, मैं आपसे, इसमें मैं क्या है आपसे क्या है, बताइए मैं आपसे और आप मुझसे, बताइए दोनों में, मैं आपसे, तुलना आपसे हो रहा है, आपसे 2 हो जाएगा और मैं 1 हो जाएगा, ठीक है। और आप मुझसे, मुझसे 1/2, ये क्या हो जाएगा मुझसे और आप, ये हो जाएगा आप। यही कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूं, परसेंटेज के जितने क्वेश्चन आएंगे सब में ये इसे कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, आप कॉन्सेप्ट करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये, ठीक है। चलिए बच्चों आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ, अब सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, बस क्वेश्चन जैसे ही लगाएंगे थीम खत्म, परसेंटेज का थीम खत्म, अब प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कैसा आपके एग्जाम में आएगा, ऐसे आ गया 600, नहीं छोटा नंबर, 400 का 100, देख रहे हैं
तुलना वाला गया, 100 कितना परसेंट है पता बच्चों? जो टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, जब बीच में का आए तो ऐसा कर दीजिए इसको, कुछ नहीं, एक कौन से बताओ जिससे तुलना उसको आप नीचे के तुलना किससे, 400 का 100 कितना परसेंट है, 400 का 100 कितना परसेंट है। देखिए 400 का तुलना किससे हो रहा है, 400 सौ का 100 से, 400 का 100 कितना परसेंट है, 400 तुलना हो रहा है ना, तुलना 400 का, 400 नीचे वाली वैल्यू रख लीजिए, अगला क्या है 100/100, 00 00 25, 25% है। पता इस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में क्या था, तुलना 400 का 400 को नीचे करिए, एक क्वेश्चन और लिखिए। अगर मैं आपको दे दूं सिंपल सा क्वेश्चन, 75 75 का 200 कितना प्रतिशत है, अब देखिए 75 का 200, 75 का तो 75 नीचे करिए, 200 का 75 करिए पहले, फिर 75 का 200 करिए, 200 का 75 कितना परसेंट, चलिए 200 का तो 200 को नीचे लिखिए, देखिए 200 का 75, 75 लिख लीजिए इंटू 100, अब देखिए 00 00, अब 75/2 को फ्रैक्शन है ना, मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज कर, मतलब समृद्ध भिन्न में चेंज कर लीजिए, 2 3 6, फिर कितना बचा 15, 2 7 14, 37 सही 1/2%, समझ में बच्चों? अब देखिए एग्जाम में कितना इजी क्वेश्चन आपके आया था, देखिए क्वेश्चन ये था आपकी एग्जाम क्वेश्चन था, 600 का 120 कितना परसेंट है बताइए। अगर एक क्लास फर्स्ट के लड़कियों को एक क्वेश्चन दे दीजिए समझाने के बाद, वो तुरंत चालू कर लेगा 600 का, सर ने मेरे बताएं कि 600 को आप नीचे कर लीजिए, लिख लिया का 120, 120 को ऊपर कर दिया, जिससे तुलना किस हो रहा 600 से ना, तो 600 को नीचे कर लिए, बार बार बोल रहा हूं जिससे तुलना उसको नीचे वाली वैल्यू मान लीजिए, 600 का 120% पूछ रहा है ना, 100 लगा दीजिए। अब देखिए 00 से 00, 6 2 20%, बताइए कितना इजी क्वेश्चन था आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। अब डालिए टाइप सेकेंड, ये टाइप फर्स्ट था आपका, टाइप सेकेंड, अब देखिए बच्चों थोड़ी सी बातें आपको बताना चाहता हूं, अगर कभी बोले 20%, क्या बोले केवल 20% बोले तो आप लिखेंगे सर बताएं 20% 20/100 मतलब 1/5, मतलब मैं डायरेक्ट 20% को 1/5 लिख सकता हूं, आप बोलेंगे जी सर लिख सकते हैं, मैं बोलूं अधिक, अगर अगर ये अधिक लगा दूं, क्या लगा दूं अधिक 20%, अब देखिए ये आप 20%, मैं बोलूं 20% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, पता बच्चों क्या करेंगे आप, 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5, मतलब अब बढ़ रहा है ना, 5 का 6, पहले 5 था 1/6 हो गया, ये इसका मतलब होता है, अभी बता रहा हूं क्वेश्चन में, चलिए देखिए क्वेश्चन में चीजें क्लियर हो जाएंगी तुरंत, क्वेश्चन क्या है देखिए आप, क्वेश्चन ये था 125 50 से कितना परसेंट अधिक है, 125 क्वेश्चन ये था, 125 50 से कितना प्रतिशत, शब्दों को पकड़ी, कितना प्रतिशत अधिक है,
देखिए अधिक शब्द आ गया ना, इस पे ध्यान देना। अगर ये बोलता 50 से कितना प्रतिशत है, तो सीधा तुलना किससे हो रहा, 125 50 से, 50 से तुलना 50 से, नीचे 50 कर देंगे। बट क्या बोला, अधिक है ना, अधिक की बात कर रहा है, 125 50 से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए अधिक की बात कर रहा है, अधिक क्या है, 50 से 125, तुलना यहाँ 125 हो रहा है कि ना कि 50, 125 50 से, 125 50 से कितना अधिक है। ये देखिए इनिशियल वैल्यू इसको मान लीजिए, इसको सेकेंड वैल्यू। थोड़ा परसेंटेज का फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, किसी भी संख्या का अगर परसेंटेज निकालना हो तो आप ऐसे करेंगे, प्रतिशत किसी भी नंबर का निकालना हो, जो प्रारंभ अंतिम मान, देखिए अभी ये सब फॉर्मूला का यूज ही नहीं होगा, बस आपको बता रहा हूं जानकारी के लिए। अंतिम मान माइनस ये होता प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि या कमी। देखिए अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान, पूरा लिखिए, प्रारंभिक मान बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। देखिए ये होता है फॉर्मूला, मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, आप देखिएगा इस फॉर्मूले का एक क्वेश्चन यूज करूंगा, उसके बाद किसी भी क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। देखिए एक 125 50 से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक की बात कर रहा है ना, फॉर्मूला लगाइए, प्रतिशत वृद्धि और कमी, अंतिम मान बराबर प्रारंभिक मान बटे प्रारंभिक, ये हुआ आपका प्रारंभिक मान और अंतिम मान। तो प्रारंभिक मान और अंतिम मान 125 माइनस 50 बटे प्रारंभिक मान 50 इंटू 100, ये हुआ प्रतिशत वृद्धि। जब अधिक की बात करें तो वृद्धि करेंगे, फिर बच्चों 75 बटे 50 इंटू 100, 50 दूना 100, तो क्या 125 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन, ये आपका फॉर्मूला था यार, फॉर्मूला का यूज मत करिए। देखिए सर ने कॉन्सेप्ट बताया, सर ने क्या बताया है, 125 50 से, 50 से 50 की तुलना में, 50 का जिससे तुलना उसको 50 नीचे रखिए, लिख दिया। अधिक की बात कर रहा है ना, परसेंटेज कहता है 50 से 125 कितना अधिक है, आप बताइए 50 से 125 कितना अधिक है, आप जोड़ेंगे तो 125 माइनस 50 करेंगे तो 75 अधिक है, 125 50 से 50 की तुलना में 50 का, तो 50 को नीचे कितना अधिक है, 50 125 से कैसे 75 अधिक है, 75 को ऊपर कर दीजिए, परसेंटेज निकाल रहे हैं, कुछ मत करिए सर, परसेंटेज इंटू 100, 50 दूना 100, 75 दूना 125 प्रतिशत की वृद्धि होगी। बताइए क्या ये फॉर्मूला लगाओगे, 125 लिखोगे 50 लिखोगे, फिर क्या जरूरत है, एक कॉन्सेप्ट बताया हूं ना, सारे परसेंटेज इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व कराऊंगा मैं आपको, जितने क्वेश्चन है परसेंटेज के मैं बता रहा हूं, क्यों फ्रैक्शन, बस एक चीज आना चाहिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, जो कि स्टार्टिंग में आपको बता दिया हूं। ठीक भाई, परसेंटेज निकाल दिन 200 कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या था, चलिए आप एक बार फॉर्मूला से करिएगा, ठीक है, फॉर्मूले का यूज आप एक क्वेश्चन में करें, उसके बाद किसी क्वेश्चन में नहीं करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, 625 500 से कितना अधिक है, ऐसे डैड क्वेश्चन आ जाते हैं, यही ऐसे इजी लैंग्वेज में आते हैं,
और बच्चे परेशान लगाते रहते हैं, प्रारंभिक मान अंतिम मान बटे प्रारंभिक मान इंटू 100। आप क्या जरूरत है सर फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट पकड़िए। 625 500 सर ने बताया जिससे तुलना किससे हो रहा, क्वेश्चन पढ़िए। 500 से 500 की तुलना में तुलना किससे हो रहा है, 500 से। तो सर ने बताया 500 नीचे रखिए, अधिक की बात कर रहा है तो प्रतिशत वृद्धि कर दीजिए ना। अब कि अधिक है तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, कितना अधिक है तो प्रतिशत नहीं, अभी ऐसे रहने जी, कितना अधिक है बस इतना ही ठीक। प्रतिशत वृद्धि क्या करेंगे, प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि देखिए, अधिक की बात कर रहा है कुछ नहीं करना है, बटे 500 करिए, कर दिया सर, कर दिया, यस सर कर दिया। 625 से अधिक, 500 से 625 कितना अधिक आप बताइए। तो जब ऐसा है तो इस नंबर में से बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस कर लीजिए। हम देख रहे हैं 500 से 625, 125 ज्यादा 125 लिख लिया, जितना ज्यादा उतना लिख लीजिए इंटू 100। अब 125 कैसे आया, कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 625 माइनस 500 कर दीजिए आ जाएगा आपका 5 2 1, 125 आया ना। तुलना करिए फिर दोनों का डिफरेंट ऊपर लिख दीजिए, जिससे तुलना हो नीचे लिखे डिफरेंट, 0 0 0 0 5 25। क्या लिखेंगे बच्चों, 25% अधिक है 600। अब देखिए यहां अधिक की बात कर, अब क्वेश्चन बोलेगा कम है, तब क्या करेंगे, तब भी यही करेंगे। देखिए क्या करेंगे, तब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन ये है 220 400 से कितना प्रतिशत कम है, देखिए कम की बात कर रहा है, तुलना किससे हो रहा है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, एक कॉन्सेप्ट जिससे तुलना नीचे, 400 से लिख दिया, 400 से प्रतिशत की बात कर रहा है ना, चलिए कितना कम है, कम 400, 220 400 से कितना कम है, तो देखिए 400 फिर दोनों का डिफरेंट हमेशा चाहे अधिक हो चाहे कम हो करेंगे तो कितना है बच्चों, 0 10 8 180 आ रहा है, 180 आ रहा है सर, आ रहा है। अब देखिए तुलना 400 से, तो 400 लिख दीजिए, 400 से तो 400 आपने लिख दिया इन 200 कर दीजिए। अब देखिए डबल जीरो से डबल जीरो और 180 बटे 4, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, मतलब 45% कम है, ये हुई ना बात। अब बता क्या था क्वेश्चन में, और पहले बच्चों लगाते थे बता रहे 95% बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते, से का किसका किसकी इसी में क्या करें हम, उनको समझ में ही नहीं आता, बस एक कॉन्सेप्ट इसे तुलना उसको नीचे रखिए ऊपर वाली वैल्यू, फिर अगर परसेंटेज निकाल रहे हैं दो दोनों संख्या उसका अंतर ऊपर रखिए, जिससे तुलना उसे नीचे रखिए इन 200 कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन और थोड़ा और लेवल। अब आप लिख दीजिए टाइप जो भी था आपका, थर्ड था क्या, आप लिखिए टाइप थर्ड के क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, ये था। अब बताइए सब क्वेश्चन क्या है, 25% ऑफ 400 प्लस 40% ऑफ 110 का मान, अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है 25% ऑफ 400 क्वेश्चन 25%। अब देखिए मैं बता चुका हूं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, 25/100 सर ने आपने बताया था, तो 25/100 लिख दीजिए परसेंट के प्लेस पे, ऑफ मींस का 400 प्लस 40% मतलब 40/100 डबल जीरो से डबल जीरो 25 चौका 100 प्लस
10 10 10 10 ग्यारह चौक 44, 144 होगा इसका आंसर। क्या था क्वेश्चन में, आप प्रीवियस से उठा के देखिए, इस टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो भी आपके पास बुक होगा, कोई भी बुक हो, जितने क्वेश्चन करा रहा हूं उतने क्वेश्चन आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, और एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। बस क्लास खत्म हो, अब बुक उठा के लाइए और सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और अभी तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यूट्यूब पे, और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे, और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठाएंगे वहां पे। ये तो आपका थीम चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ऐप में आप पढ़िए कॉन्सेप्ट और थीम, और यूट्यूब पे, और साथ ही साथ ऐप पे भी आपका प्रैक्टिस क्लासेस चलेंगी, सारे चैप्टर का प्रैक्टिस होगा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा। देखिए पढ़ना और प्रैक्टिस, आप पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस अगर नहीं कर रहे तो समझ लीजिए आपके 50% तैयारी है, और अगर चैप्टर का प्रैक्टिस कर लिए तो समझ लीजिए उस चैप्टर में आप 100% आपको महारत हासिल हो जाएगी। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी, इसलिए हम लोग यूट्यूब पे आएंगे प्रैक्टिस करने, ठीक है। चलिए देख रहे हैं, आगे देखते हैं, आइए एक क्वेश्चन और इस चीज टाइप का करते हैं। 30% ऑफ 90 प्लस 50% ऑफ 70 का मान, देखिए 30 × 100 × 90 प्लस 50/100 × 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 अतिरिक्त 27 प्लस 5 7 35 62 ऐड कर लीजिए, 7 5 12 2 3 2 5 1 6, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट टाइप कल हम लोग करेंगे, और एक चीज ध्यान दीजिए, जितने टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिया, आज आप जाइए बुक उठाइए और उसमें से क्वेश्चन छाट लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए अब फॉर्मूले का यूज करना ही नहीं है, आप बस तुलना वाले जितने क्वेश्चन है आप उसमें, पता है ये तुलना वाला कंसेप्ट जो है ना, प्रॉफिट लॉस में भी मैं लगाऊंगा, उसमें भी एक भी फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, ना आपको बताऊंगा कि लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय जो भी होता है, फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है। प्रतिशत लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय बटे क्रय इंटू 100, किसी भी चैप्टर में बिना फॉर्मूला का यूज किए मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। प्रॉफिट लॉस में कितने फॉर्मूले हैं, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, लाभ बराबर हानि बराबर क्रय बराबर विक्रय, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपके फ्रैक्शन मेथड यूज करूंगा, वहां भी भिन्न मेथड, और परसेंटेज को भिन्न में बदलिए, आप आंसर ले लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं कल आपसे, जय हिंद।